आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। समय समय पर दुनिया भर में अक्सर रहस्यमय प्राणियों को देखे जाने की चर्चाएं होती रही हैं। रहस्यमय, विचित्र और खतरनाक प्राणियों के ऊपर कई टीवी सीरियल और फिल्में भी बन चुकी हैं और इनसे जुड़ी कई बुक्स और नोवेल्स को भी प्रकाशित किया गया है। पर क्या हमारे दुनिया में सच में ऐसे प्राणियों का अस्तित्व है भी या नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही रहस्यमय प्राणियों के बारे में बताने जा रहे हैं। लिजार्ड मैन का रहस्य। रहस्यमय प्राणियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम लिजार्ड मैन का आता है। लिजार्ड मैन को पहली बार 29 जून सन 1988 में देखा गया था। हरे रंग के इस प्राणी की लंबाई लगभग 7 फीट बताई गई थी। कुछ रिपोर्ट्स और वे लोग जिन्होंने लिजार्ड मैन को देखा था उनका कहना था कि लिजार्ड मैन के पैरों में 3 अंगूठे और हाथों में 3 उंगलियां होती हैं और वह किसी छिपकली की तरह दीवारों और छत पर चढ़ जाता है। इस रहस्यमय प्राणी को देखे जाने की खबर 29 जून 1988 को सामने आई जब 17 साल का क्रिस्टोफर डेविड लगभग रात के 2 बजे अपने घर वापस लौट रहा था। तब अचानक रास्ते में ही उसकी कार का टायर फट गया, जिसके बाद टायर बदलने के लिए उसने कार सड़क पर रोककर टायर बदलना शुरू कर दिया। टायर बदलते समय उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद डेविड ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उस अजीब से दिखने वाले प्राणी को अपनी ओर आते देख डेविड डरकर अपनी कार में छुप गया। डेविड ने अपने बयान में बताया कि वह रहस्यमय प्राणी काफी ज्यादा गुस्से में था। डेविड का कहना था कि पहले तो वह कार की छत पर चढ़ गया और कार को अपने नुकीले पंजों से कुछ देर तक खरोंचता रहा। उसके बाद उसने कार के साइड मिरर को तोड़ दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद कई लोगों ने लिजार्ड मैन को देखे जाने की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई। लिजार्ड मैन को देखे जाने की सभी घटनाएं उसी क्षेत्र के कुछ किलोमीटर के आसपास हुई थीं, जहां उसे पहली बार देखा गया। जो भी लोग लिजार्ड मैन का शिकार हुए थे उन सभी की कारों पर काटने और खरोंचने के निशान मौजूद थे। इन सभी घटनाओं की जांच करने के बाद भी पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने लिजार्ड मैन को एक जंगली भालू बताया। इसके बाद अगले एक साल के अंदर ही लिजार्ड मैन को देखे जाने की घटनाएं कम होती गईं और आगे चलकर बहुत कम लोगों द्वारा इसे देखे जाने का दावा किया गया। लेकिन क्या लिजार्ड मैन जैसा कोई अजीब प्राणी था भी या नहीं, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर का रहस्य। फ्लैटवुड मॉन्स्टर भी देखने में किसी शैतान जैसा दिखाई देता था। इसे वेस्ट वर्जीनिया के एक फ्लैटवुड नाम के कस्बे में 12 सितंबर 1952 को पहली बार देखा गया था। लोगों के अनुसार यह 10 फीट लंबा था और इसका चेहरा लाल रंग का दिखता था और इसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। उसे देखने में ऐसा लगता था कि उसने कोई गहरे रंग की स्कर्ट पहनी हुई है। यह एक ऐसा रहस्यमय प्राणी है जिसके बारे में काफी कम ही जानकारी मौजूद है, जिसे समय समय पर कई लोगों द्वारा देखा तो गया लेकिन फ्लैटवुड मॉन्स्टर आज भी सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है। जर्सी डेविल का रहस्य। जर्सी डेविल के नाम से जाना जाने वाला इस रहस्यमय प्राणी के बारे में सन 1800 से लेकर सन 1900 के अंत तक
तरह तरह की बातें कही जाती रहीं। इसे सबसे पहले न्यू जर्सी के दक्षिणी क्षेत्रों वाले जंगलों में देखा गया। इस प्राणी को देखने वाले लोगों का दावा था कि इसके दो पैर और चमगादड़ की तरह पंख थे और उसका मुंह घोड़े के मुंह से मिलता जुलता था। इस रहस्यमय प्राणी को लेकर एक कहानी प्रचलित थी कि एक चुड़ैल जब अपने 13वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उस समय उसने शैतान को जगा दिया था, जिसके बाद बच्चे के जन्म लेते ही उस बच्चे का रूप विचित्र तरह से बदलने लगा और वह एक अजीब और डरावने जानवर में बदल गया और इसे ही लोग जर्सी डेविल के नाम से जानते हैं। इस रहस्यमय प्राणी ने न केवल जानवरों को मारा था, बल्कि लोगों को उसके पैरों के अजीब निशान भी मिले थे। उस समय लोगों का कहना था कि ये प्राणी रात के समय बेहद ही अजीब और डरावनी आवाजें भी निकालता था। इस प्राणी को कई लोगों द्वारा देखे जाने का दावा भी किया गया, लेकिन आखिर में ये प्राणी भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। आउल मैन का रहस्य। ब्रिटेन के एक छोटे से क्षेत्र में इस अजीब से दिखने वाले प्राणी के बारे में साल 1976 में जब खबरें आने लगीं, तो इस प्राणी को आउल मैन का नाम दे दिया गया। इस प्राणी को सबसे पहले एक चर्च टावर के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया। यह देखने में किसी उल्लू की तरह दिखाई देता था, लेकिन आकार में यह एक इंसान के बराबर था और इसके कान नुकीले, आंखें लाल और पंजे काले रंग के थे। 1978 के बाद लोगों द्वारा इस प्राणी को आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी उस इलाके के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आसमान में आउल मैन जैसे प्राणी को उड़ते हुए देखा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसे विचित्र और अजीब प्राणी इस दुनिया में मौजूद रहे होंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।